ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नमन एंड आई हमली वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ रफ्तार सीरीज ऑफ इकोनॉमी बाय मृणाल सर टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जीक्यूटिव IAS। आज लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों QR कोड्स के बारे में। बट मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलवाना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो रफ्तार सीरीज की जो मेन एम होती है वो सिर्फ एक प्रीलिम्स के पहले क्विक रिवीजन के पर्पज से होती है दोस्तों। मैं पिछले ही दिनों सर से बात कर रहा था एंड उन्होंने मुझे यही बताया कि इसमें कोई PhD करने वाली बात नहीं है, इसमें जो भी टॉपिक है आप सिर्फ ध्यान में रखिए ताकि अगर प्रीलिम्स में इकोनॉमी सेक्शन में कोई भी मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं, लेट्स से कोई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दे देगा उसके साथ में कोई एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, जैसे QR कोड जो न्यूज़ में है या कोई भी लेट्स से अगर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के बारे में न्यूज़ में है तो वो एड ऑन करके दे सकते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में कवर नहीं होती है। ऑल राइट, इसीलिए रफ्तार सीरीज का मेन एम ये है दोस्तों। ऑल राइट, तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चले के हम उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हम क्विकली करेंगे एंड क्विकली फिनिश करेंगे सिलेबस को। ऑल राइट, क्योंकि हमें और भी बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं आज QR कोड के बारे में। QR कोड क्या होता है दोस्तों? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो QR कोड है दोस्तों वो पहली बार 1990s में आया था। ऑल राइट, 1990s में आया था एंड वो एज एन टू डायमेंशन क्विक रिस्पॉन्स कोड आया था जो कि जापान में डेवलप हुआ था। ऑल राइट, ये जापान में डेवलप हुआ था और अभी वो इंडियन ई पेमेंट सिस्टम का पार्ट है। ई पेमेंट सिस्टम जब हम बोले दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है, जैसे कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज जो हम NPCI का पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे उसका एक पार्ट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गेटवे है जिसके थ्रू हम उस पेमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। अगेन, जो QR कोड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो प्रोप्रिएटरी QR कोड होता है, सेकेंड जो होता है वो UPI QR कोड होता है, और वो जो थर्ड होता है दोस्तों वो भारत QR कोड होता है। चलिए हम क्विकली देखते हैं। जो प्रोप्रिएटरी QR कोड होते हैं वो बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के होते हैं दोस्तों। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम का अपना QR कोड होगा, फोनपे है तो उसका एक अपना QR कोड होगा। कोई दूसरी कंपनी जैसे गूगल पे है वो पेटीएम के प्रोप्रिएटरी QR कोड को स्कैन नहीं कर पाएगी, ये इसका सबसे बड़ा दिक्कत है। राइट, अगर आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, आपके पास पेटीएम का प्रोप्रिएटरी कोड है, QR कोड है, तो अगर कोई इंसान गूगल पे से स्कैन करके पे करना चाह रहा है या फोन पे से स्कैन करके पे करना चाह रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, सिर्फ पेटीएम से जो स्कैन करके पे कर सकते हैं लोग। राइट, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसीलिए जो RBI है दोस्तों उसने प्रोप्रिएटरी QR कोड को इस प्रोहिबिट कर दिया मार्केट से लॉन्च होने में। ऑल राइट, पहले जब ये जो UPIs नए नए लॉन्च हुए थे दोस्तों तब आप देखे भी होंगे कि आप सिर्फ पेटीएम से पेमेंट कर सकते थे। अगर पेटीएम का QR कोड लगाया है, गूगल पे लगाया तो सिर्फ गूगल पे कर सकते थे, फोन पे लगाया है तो सिर्फ फोन पे कर सकते थे। बट अभी आ गया है QR कोड एंड भारत QR कोड। सो UPI QR कोड क्या है दोस्तों? ये बेसिकली NPCI ने इसको डेवलप किया है। राइट, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है दोस्तों कि इट कैन बी स्कैंड बाई ऑल दी एप्स। राइट, irrespective of the app that you use, whether you use Paytm, PhonePe, Google Pay, now ये एक universal UPI QR code होता है जो आपके bank account से link होता है and directly आप किसी भी company से आप direct उसे scan करके अपने bank account में पैसे transfer करवा सकते हैं। Right, so this is what is the UPI QR code and जो third type के code होते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं भारत QR code। Okay, again it was developed by NPCI, right, with the help of Visa and MasterCard. It can be scanned by again all the apps which are developed by using UPI technology, right? So UPI QR code and Bharat QR code ka main difference kya hai dosto? It is basically supported by Visa and MasterCard and UPI jo code hai dosto wo universal hai, aap koi bhi scan karke payment kar sakte hain. All right, so this is what is about the different type of QR codes. All right, uske baad abhi रिसेंटली में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, जिस पे रिसर्च चल रही है, वो है RMQR। व्हाट इज RMQR? ये हमारे जानने लायक चीज है, रेक्टेंगुलर माइक्रो QR कोड। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों जो इस टाइप के QR कोड होते हैं उसे एक सफिशियंट जगह चाहिए होता है सो दैट हम इसे पेस्ट करके एग्जिबिट कर पाए। राइट, बट व्हाट अबाउट सम टाइनी मटेरियल्स?
राइट, जैसे कि एक पेन हो गया, अगर कोई इंसान मार्केट में पेन बेच रहा है एंड वो चाहता है कि उस पेन में ही स्कैन करके हम उसकी पेमेंट ले लें एंड वो पेन दे दे, तो उसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है दोस्तों, एक नई टाइप की क्यूआर कोड डेवलप हो रही है जिसे हम बोल रहे हैं RMQR, दैट इज रेक्टेंगुलर MQR, राइट। ये कैसा रहेगा, ये जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पतला सा स्ट्रिप टाइप का क्यूआर कोड होगा, राइट। तो अगेन जो 1990s में दोस्तों, जैसे कि हमने ये जो क्यूआर कोड का फॉर्मेट था, इसको एक जापानीज इंजीनियर जिसका नाम था मासा हीरो हारा ने डिजाइन किया था, ऑल राइट। ये वाली कोड को स्क्वायर वाली को हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल राइट। बट अभी ये वर्क कर रहे हैं रेक्टेंगुलर MQR में, ऑल राइट। रेक्टेंगुलर MQR, ये कोई भी नैरो स्पेसेस, जो छोटी स्पेसेस होती है दोस्तों, जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और कोई भी नैरो स्पेसेस उसमें प्रिंट किया जा सकता है ताकि लोग आसानी से उसको स्कैन करके पे कर सके, ऑल राइट। सो अगेन इट कैन बी स्कैंड विथ सम सेम नॉर्मल, जैसे हम क्यूआर कोड को, स्क्वायर क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, वैसे रेक्टेंगुलर क्यूआर कोड भी वैसे ही सेम स्पीड से नॉर्मल स्क्वायर शेप वाले क्यूआर कोड के जैसे ही स्कैन होगी, ऑल राइट। ये था क्यूआर कोड के बारे में। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कार्ड टाइप बेस्ड ऑन सिक्योरिटी फीचर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इस टाइप के कार्ड्स होते हैं, ऑल राइट। तो पहले होता है दोस्तों मैग्नेटिक कार्ड, जो पहले आता था जिसमें CVV होती थी, राइट। आप पीछे देखते होंगे तो 3 डिजिट का एक CVV हुआ करता था, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कार्ड, राइट। बट इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्लोनिंग की, स्कीमिंग की, जितने फ्रॉडुलेंट होते थे दोस्तों। आप अगर कार्ड अपनी कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में अपना कार्ड नंबर देते थे, CVV देते थे, तो क्या होता था, जो हैकर्स होते थे आपकी ये कॉपी कर लेते थे। मेन तो कार्ड नंबर होता है, CVV होता है, राइट। ये कॉपी करके आपकी कार्ड की क्लोनिंग कर लेते थे एंड आपके आपके साथ फ्रॉड हो जाते थे, राइट। बट फिर उस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने इसे बैन कर दिया था। एंड जो दूसरी कंपनीज की कार्ड थी दोस्तों, टेक्नोलॉजी थी, उसे हम बोलते हैं EMB कार्ड। इसका मतलब क्या होता है, यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा चिप, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी है जो 3 डिफरेंट कंपनियों के द्वारा डेवलप की गई है एंड एक पर्टिकुलर कार्ड में इम्बेड कर दी गई है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं EMB कार्ड, राइट। इसके सिक्योरिटी फीचर बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, राइट। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखना, 2 टाइप के कार्ड होते हैं, मैग्नेटिक कार्ड होते हैं, EMV कार्ड होते हैं। मैग्नेटिक कार्ड थोड़ा सिक्योरिटी वाइज में कॉम्प्रोमाइज है, बट EMV कार्ड है वो काफी ज्यादा एडवांस है। अगेन आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, आप इसको पॉइंट ऑफ सेल्स में यूज कर सकते हैं, कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, और आप इसको RFID के थ्रू भी, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी नंबर, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑल राइट। जो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड होते हैं दोस्तों, उसे हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, राइट। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, राइट। प्लास्टिक मनी क्या होता है, तो जो मनी हम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज करते हैं, पे करते हैं, उसे हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं, ऑल राइट। चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो क्रेडिट कार्ड अगेन यूज फॉर विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम ATM, दैट इट इज अ टाइप ऑफ बोरोइंग, सो बैंक लिवाइज इंटरेस्ट रेट, राइट। सो क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों, आपको जो भी आपका बैंक है, जो भी आपका बैंक है, वो आपको क्या देता है, प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन देता है, राइट। प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन देता है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स से आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये है भी नहीं, लेकिन आपको बैंक 1,000 रुपये दे देगा, राइट। अगर बैंक आपको 1,000 रुपये देगा तो वो लाजमी सी बात है वो इस पर इंटरेस्ट लगाएगा, राइट। वो इंटरेस्ट लगाएगा क्योंकि आपके खाते में अकाउंट पैसे है नहीं, बट वो एज एन बोरोइंग आप बैंक से ले रहे हैं, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, राइट। जो हम शॉपिंग में बेसिकली यूज करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का फायदा क्यों होता है, तो क्या होता है दोस्तों, हम क्यों क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जानते हुए भी कि इसमें इंटरेस्ट लगेगा। बेसिकली क्रेडिट कार्ड का लोग लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज 1 लाख की है, आईफोन 1 लाख की आ रही है, तो उसमें आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है या कैशबैक मिल जाता है। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स में बहुत ज्यादा ऑफर्स होते हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, इसीलिए जो लोग लग्जरी आइटम खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का बहुत यूज करते हैं, ऑलराइट। बट डेबिट कार्ड आपको पता ही होगा, डेबिट कार्ड वो कार्ड होते हैं दोस्तों जो आपको ATM से पैसे विड्रॉ करने में हेल्प करते हैं, बट यहां पे जो पैसे होते हैं वो आपकी बचत के पैसे होते हैं, जो बैंक बैलेंस होता है दोस्तों। आप अगर लेट्स से आपका बैंक बैलेंस 10,000 रुपए है, तो आप 10,000 तक ही विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का मेन डिफरेंस, राइट। सो थर्ड टाइप का जो कार्ड होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड या डुओ कार्ड, राइट। इसमें क्या होता है, ये एक सिंगल कार्ड होती है, ये एक सिंगल कार्ड होती है, बट इसमें 2 चिप्स होते हैं, दैट इज क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। एक सिंगल कार्ड को ही आप एज अ डेबिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, एज अ क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक एग्जाम्पल है इंडस बैंक हाइब्रिड कार्ड का। इंडस बैंक हाइब्रिड कार्ड लेके आया था, सो दैट ये जो कॉस्टिंग होती है ना डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड की बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की, वो भी बहुत हाई होती है। सो व्हाई नॉट मर्ज बोथ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इन द सेम
हाइब्रिड कार्ड, राइट। तो जो बहुत ज्यादा क्रेडिबल कस्टमर्स होते हैं किसी बैंक के, उनको ये हाइब्रिड कार्ड दिया जाता है, सो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी या शॉपिंग करने के समय भी वो अगर उनके अकाउंट में कम बैलेंस है तो वो एज एन क्रेडिट कार्ड भी इसको यूज कर सकते हैं, राइट। द फोर्थ टाइप ऑफ कार्ड इज प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या होता है दोस्तों? इट इज अ सब टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। बेसिकली डेबिट कार्ड इज लिंक्ड टू अ गिवन बैंक अकाउंट, राइट, बट प्रीपेड कार्ड कैन बी ब्रॉट इवन विदाउट हैविंग बैंक अकाउंट टू गिवन बैंक, ऑलराइट। तो जैसे कि आप IRCTC अगर ऐप से टिकट बुक्स करते हैं दोस्तों एंड एक्सेट्रा, तो इसमें एक IRCTC पे होता है, राइट। IRCTC पे, इसका मेन फीचर क्या होता है दोस्तों? ये किसी भी अकाउंट से लिंक नहीं होता, आप नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट से इसमें अपनी मनी स्टोर कीजिए 2000, 2500 जितना भी, एंड एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए रेलवे अगर बुकिंग करनी है तो आप उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। इसे हम बोलते हैं प्रीपेड कार्ड, राइट। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यही है दोस्तों कि जो आपका ट्रांजैक्शन है वो थोड़ा ईजी हो जाता है आपको। जैसे आपको पता है ना, रेलवे जब बुकिंग करते हैं तो टाइम इतना कम होता है, राइट। तो उस छोटे से टाइम स्पैन में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, आप अपने बैंक अकाउंट से आप पैसे स्टोर कीजिए फिर पे कीजिए, तब तक तो सारी टिकटें बुक हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए IRCTC पे एक प्रीपेड कार्ड के रूप में लॉन्च किया था IRCTC ने, ऑलराइट। तो ये है उसका बेनिफिट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों कार्ड टोकनाइजेशन का, ऑलराइट। अगेन ये 2022 का न्यूज है तो आप हम इसे स्किप कर सकते हैं, बस एक रीड देखे कि कार्ड टोकनाइजेशन होता क्या है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन फॉर्जरी, ऑनलाइन फ्रॉड्यूलेंट्स बढ़ रहे, राइट। तो ये क्या होता है दोस्तों? टोकनाइजेशन क्रिएट्स अ सेट ऑफ नंबर कॉल्ड टोकन टू रिप्लेस और हाइड द सेंसिटिव कार्ड, राइट। डेटा सच एज 16 डिजिट, अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब फालतू की बात है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये होता क्या है, राइट। लेट्स से आपका एक कार्ड है दोस्तों, राइट, आपका एक कार्ड है, राइट। आपके कार्ड में कार्ड नंबर लिखा होता है XXXX, जो 16 डिजिट की कार्ड नंबर होती है, CVV होती है, राइट। तो दोस्तों अगर आप जब बैंक जाएंगे, लेट्स से आपका ये कार्ड SBI का है, एंड आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे, ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि आई वॉन्ट टोकनाइजेशन ऑफ माई कार्ड, आई वॉन्ट माई कार्ड टोकन, राइट, तो वो इसकी एक टोकन नंबर दे देंगे आपको, राइट। वो दिखेगा तो ऐसे ही, बट वो ओरिजिनल नंबर नहीं होगा दोस्तों, राइट। इसका फायदा क्या होगा, राइट? लेट्स से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको जो कार्ड नंबर और CVV भरना होता है ना, कार्ड नंबर और जो CVV भरना होता है, उसमें आप ये अपना ओरिजिनल कार्ड नंबर ना देके अपने टोकन नंबर को दे सकते हैं। टोकन नंबर को जब आप देंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये ओरिजिनल तो है नहीं, राइट। आपका बैंक आपका ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर देगा कि हाँ, ये टोकन नंबर हमने इशू किया था, ये ओरिजिनल है। एंड लेट्स से अगर अमेजॉन रिक्वेस्ट कर रहा है 500 रुपये का, तो वो बैंक सैंक्शन कर देगा। बट यहाँ पे फायदा ये है दोस्तों, लेट्स से अगर कोई हैकर बैठा है, अगर वो इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहा है, एंड वो जब बैंक को रिक्वेस्ट करेगा 500-600 रुपये का, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फेक इंसान रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो समझ जाएगा, राइट। बट वहीं पे कोई वैलिड कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यस, कोई एक ऑथेंटिक कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ है, ऑलराइट। तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकनाइजेशन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में भी दिया है, जो प्राइमरी ओरिजिनल कार्ड है दोस्तों, उसमें क्या होगा, विजय दीनानाथ चौहान है राइट, नेम, राइट। कार्ड नंबर है सो एंड सो एंड सो, पिन है सो एंड सो, राइट। सो आप कार्ड को शॉपिंग उसमें देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है। तो हम इसे शॉपिंग वाले अपने वेबसाइट में स्टोर तो कर सकते हैं, चलो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो ये सब थोड़ी बहुत सेफ भी है, बट जो इंटरनेट में आजकल बहुत ज़्यादा शैडो कंपनीज आ गई हैं दोस्तों, जो आपको सस्ते चीज़ें बेचने के चक्कर में आपके कार्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल्स ले लेती हैं, एंड बाद में कोई भी हैकर्स उसे स्टील कर सकता है, आपके कार्ड को डैमेज कर सकता है, राइट। इसीलिए इसमें टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जहां आप अपने बैंक को रिक्वेस्ट करके एक फेक आईडी कार्ड बना सकते हैं, राइट, एक फेक आईडी बना सकते हैं, और इसको सेकेंडरी आईडी भी बोलते हैं, जो आपके प्राइमरी कार्ड है उससे लिंक होगा, राइट। आप इस पर्टिकुलर आप इस टोकन कार्ड का यूज करके शॉपिंग करिए, इसमें अगर हैकर रहेगा वो कुछ भी इससे स्टील या चोरी नहीं कर पाएगा, राइट। और इससे क्या होगा, इससे आपको CVC जो रहता है दोस्तों, जो CVC का इशू होता है, राइट, वो भी आपका कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा, आपको सिर्फ वो जो टोकन एक आईडी है वो आपको देना पड़ेगा, आपको CVV ये सब का उतना इशू नहीं होगा, राइट। सो दिस इज व्हाट वाज द टोकनाइजेशन कॉन्सेप्ट। पुराना है, हम छोड़ सकते हैं, अगेन 2019 का न्यूज है, ये भी हम कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, नेशनल मोबिलिटी कार्ड, ऑलराइट।
अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है दोस्तों, एमडीआर। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है 2016 या 17 में, ऑल राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना कि न्यूज़ है, ऑल राइट। तो एमडीआर क्या होता है दोस्तों? इट इज बेसिकली अ फी दैट अ मर्चेंट मस्ट पे टू हिज एक्वायरर बैंक फॉर एवरी क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शन, ऑल राइट। एमडीआर फीस इज बेसिकली शेयर्ड अमंग थ्री पार्टीज, दैट इज कस्टमर्स कार्ड इशूइंग बैंक, ओके, मर्चेंट्स एक्वायरिंग बैंक एंड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, ऑल राइट। सो एमडीआर हर्ट्स मर्चेंट्स प्रॉफिट मार्जिन, डिस्करेज देम फ्रॉम अडॉप्टिंग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, ऑल राइट। ये सब तो चलो पढ़ने वाली भाषा हो गई। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं दोस्तों, तो एमडीआर होता क्या है, ऑल राइट। लेट्स से आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं किसी सब्जी वाले के पास में, उसने यहाँ पे अपना क्यूआर कोड लगा रखा है, लेट्स से एक्सिस बैंक का, राइट। आपने सब्जी खरीदा लेट्स से 100 रुपए की, एंड 100 रुपए आपने इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड को स्कैन करके आपने बैंक को पे किया, राइट। तो जो आप इस पर्टिकुलर बैंक को पे कर रहे हैं दोस्तों, इसमें ये 100 रुपए से कुछ ट्रांजैक्शन फीस काटेगा, इसे हम बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ फी दैट इज लिवाइड बाई द एक्वायरर बैंक फॉर एवरी क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन, दिस इज बेसिकली MDR, राइट। बट अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोस्तों MDR पे सब्सिडी देने लग गए हैं, क्योंकि इससे जो पेटी मर्चेंट्स थे, जो छोटे मोटे वेंडर्स वाले थे, उनको काफ़ी नुकसान होता था, राइट। क्योंकि अभी जो टाइम है दोस्तों वो है UPI का टाइम, राइट, वो है ऑनलाइन पेमेंट का टाइम। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू हो रही है, राइट। तो इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा एमडीआर जो छोटे मर्चेंट्स थे उनको पे करना पड़ता था बैंक्स को हर एक ट्रांजैक्शन में। तो जो पेटी मर्चेंट्स थे दोस्तों, वो मेजॉरली उसमें कैश में शिफ्ट हो रहे थे, बट कैश में वापस शिफ्ट होने से रोकने के कारण मेटी जो है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि आप करिए शॉपिंग, आप जारी अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जारी रखिए, जितना भी आप एमडीआर पे करेंगे हम उसमें आपको सब्सिडी दे देंगे, ऑलराइट। तो जैसे कि आपने एमडीआर 10,000 का पे किया दोस्तों, राइट, आपने एमडीआर लेट्स से आपने टोटल 10,000 का शॉपिंग किया, राइट, उसमें 2,000 अगर आप एमडीआर पे कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको बैंक 200 की सब्सिडी दे देगी। तो दिस इज व्हाट इज द एमडीआर, राइट। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमने 2018 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऑलराइट, एमडीआर। तो इंसेंटिव गिवन बाय अ बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड्स पर्टेनिंग टू द बैंक, द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज, the charge to a merchant by a bank for accepting payment from his customer through the bank's card, the incentives. तो obvious answer is C दोस्तों, ये एक fee है, right, ये ना कि एक incentive है या ना कि एक amount है जो bank देता है customers को, ये सब कुछ नहीं है, ये एक fees है that is levied by the bank on the merchant's transaction using the bank cards, that is debit card and credit card, right. So C is the right answer for this. This is all about the MDR, जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों। सिर्फ एक कंफ्यूजन के लिए एक स्टेटमेंट दे सकता है दैट MDR is incentive, it is a cash back that is offered by the bank to the customers and etc. नहीं, it is a fees that is levied by the bank on the merchant's bank cards transaction, right? So this is what is the MDR, okay? Now the important concept plus news is interchange fees by NPCI, all right? So पहले क्या होता था दोस्तों, पहले क्या होता था, let's say आप बैंक ऑफ बरोडा के अकाउंट से आप एक्सिस पे के अकाउंट में, लाइक बैंक टू बैंक जब ट्रांजैक्शन होती थी दोस्तों, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो SBI हो टू एक्सिस हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा या एक्सिस हो, चाहे वो HDFC या एक्सिस हो, कोई भी बैंक हो, जब आप UPI यूज करते थे तो उसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती थी, जीरो फीस लगती थी। बट द थिंग इज, अभी क्या हो गया है दोस्तों, अगर आप Amazon पे वॉलेट से, राइट, अगर आप वॉलेट का यूज करते हो, फोन पे वॉलेट का यूज कर सकते हो, गूगल पे वॉलेट का यूज करते हो, पेटीएम वॉलेट का यूज करते हो, एंड उस वॉलेट का पैसा, राइट, स्कैन करके किसी बैंक अकाउंट में आप भेजते हो, तो उसमें आपको इंटरचेंज फीस मिलती है, इंटरचेंज फीस पे करनी पड़ती है, राइट। वॉलेट से अगर बैंक अकाउंट में पैसा आपको ट्रांसफर करने हैं तो आपको 1.1% का इंटरचेंज फीस देना पड़ेगा, राइट।
अगर अभी भी अगर आप पेटीएम खोलेंगे दोस्तों, या कोई भी ऑनलाइन ऐप खोलेंगे, तो अगर आप अपनी वॉलेट की मनी, लेट्स से आपके वॉलेट में 1,000 रुपये है, एंड अगर आप इसको वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको इंटरचेंज फीस पे करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द इंटरचेंज फीस, राइट? सो ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है, व्हाट इज इंटरचेंज फीस, राइट? सो इट इज अ फीस ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द वॉलेट टू द बैंक अकाउंट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द इंटरचेंज फीस। अब देखते हैं दोस्तों, एटीएम एंड इट्स के टाइप क्या होते हैं, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीएम्स क्या होते हैं। एटीएम वही जो हम जहाँ से पैसे निकालते हैं। एटीएम इज बेसिकली फुल फॉर्म आप सबको पता ही होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट? जो बैंक के द्वारा दिया जाता है टू विदड्रॉ मनी और चेक बैलेंस विदाउट विजिटिंग अ ब्रांच और बैंक, ओके? तो जो डिफरेंट टाइप्स के एटीएम्स होते हैं दोस्तों, वो होता है ब्राउन लेवल, व्हाइट लेवल एंड माइक्रो एटीएम, राइट? तो ब्राउन लेवल एटीएम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये बैंक ओन करता है, राइट? अगर एसबीआई का एटीएम है तो इसको एसबीआई ओन करेगा, बट जो इसका ऑपरेशन है वो आउटसोर्स कर दिया जाता है। ऑपरेशन इन द सेंस जो कैश रिफिलिंग है, जो गार्डिंग है उस पर्टिकुलर एटीएम का, उसको कोई पर्टिकुलर कंपनी को आउटसोर्स कर दिया जाता है, राइट? तो ये होता है ब्राउन लेवल एटीएम्स। ऑल राइट, व्हाइट लेवल क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली एक्सिस अगर बैंक है, कोई भी बैंक का एटीएम या कोई भी नॉर्मल एटीएम, कोई प्राइवेट कंपनी ओन भी करती है, ऑपरेट भी करती है, राइट? तो हमने कई प्राइवेट कंपनीज की एटीएम्स देखे होंगे, राइट? जैसे कि मथुट फाइनेंस हो गया, टाटा कॉम हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो बैंक एटीएम्स ओन करती है एंड उसे ऑपरेट भी करती है, राइट? तो लेट्स से आप अगर एसबीआई के कार्ड से मनी विड्रॉ करते हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर पैसे वो चार्ज कर लेता है एसबीआई को, राइट? सो दिस इज हाउ दे गेट प्रॉफिट। तो ये होता है व्हाइट लेवल एटीएम। अब होता है माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम क्या होता है दोस्तों, इट इज बेसिकली बैंक मित्र मैनुअली मेक्स एंट्रीज ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉ फॉर कस्टमर, राइट? तो एक इंसान होगा जो यूज करेगा हैंड हेल्ड डिवाइस, राइट? आधार, बायोमेट्रिक्स एंड एक्सेट्रा, वो कार्ड की डिटेलिंग को खुद वो करेगा एंड उससे पैसे निकाल के वो डायरेक्ट कस्टमर है उनको देगा, राइट? इसमें कोई मशीन, बड़ी बड़ी एटीएम्स की मशीन की जरूरत नहीं है। दिस इज बेसिकली अ माइक्रो एटीएम। वो जो गाँव वगैरह में होते हैं ना, जहाँ पे 1-2 हज़ार रुपये विड्रॉ करना पड़ता है, वहाँ पे आप कोई नियरेस्ट सर्विस सेंटर जाके आप इस पर्टिकुलर फैसिलिटी का अवेल करवा सकते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, 2019 में जब कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट हो रही थी, तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, नंदन नीलकानी कमेटी। ऑल राइट, ये आधार कार्ड के लिए भी, UIDAI के लिए भी बहुत फेमस कमेटी है, राइट? नंदन नीलकानी इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। ऑल राइट, इन्होंने कमिटी, इनके हेडमैनशिप में एक कमिटी की कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो कि कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए हमारे इंडिया में काम कर रहे थे, राइट? तो आरबीआई ने बनाया था इस पर्टिकुलर कमिटी को, याद रखना नंदन नीलकानी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आधार रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो उनमें उसमें भी बहुत बड़ा हाथ नंदन नीलकानी कमेटी का ही है, राइट? जो हम इसका जैन ट्रिनिटी का बात करते हैं दोस्तों, राइट? जनधन योजना अकाउंट, आधार एंड मोबाइल फोन, जो जैम ट्रिनिटी का बात करते हैं, उसके पीछे भी नंदन नीलकानी कमेटी का भी बहुत बड़ा हाथ है, राइट? जो हमारे इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट किया था, राइट? जिसके थ्रू, तो ये हमारे ध्यान रखने वाली चीज है, राइट? ये ग्रीन वाली अगेन आप इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लोबल मनी ट्रांसफर, ये क्या होता है? जैसे अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कैसे इंडिया और यूएई के बीच में यूपीआई आईपीपी लिंकेज हो रहा है, राइट? आप यूपीआई के थ्रू यूएई में पेमेंट कर सकते हैं, फ्रांस में पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली वो अपने आईपीपी, जैसे हमारे यहाँ यूपीआई है दोस्तों, उनके यहाँ आईपीपी है, ओके? तो वो आईपीपी के थ्रू हमारे कंट्री में पेमेंट कर सकते हैं, राइट? तो हम चलिए देखते हैं ग्लोबल मनी ट्रांसफर है क्या, राइट? तो लेट्स से जैसे कोई UAE का ऑयल एक्सपोर्टर है, राइट? जैसे कि हमारी जो इंडियन रिफाइनरीज हैं, वो हेवली ऑयल इंपोर्ट करती हैं UAE से, राइट? तो जो अदानी साहब हैं, लेट्स से वो डायरेक्टली UPI से पेमेंट कर सकते हैं, राइट? उन्हें धीरम नहीं लेना पड़ेगा एक्सचेंज से, उन्हें जाके पेमेंट ये सब नहीं, कंप्लीटली वो डायरेक्ट UPI से पेमेंट करना है, कर सकते हैं। और जो UAE के इंपोर्टर हैं दोस्तों, अगर वो लेट्स से इंडिया आते हैं
स्पाइस शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी इंपोर्ट करते हैं वो डायरेक्ट आईपीपी से पेमेंट कर सकते हैं, राइट? दैट इज दे कैन पे इन देयर ओन करेंसी, दैट इज धीरम. दिस इज वॉट इज द ग्लोबल मनी ट्रांसफर, ऑल राइट? तो जैसे कि इंडिया की फास्ट पेमेंट सिस्टम है यूपीआई दोस्तों, वैसे यूएई की है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, राइट? आईपीपी उनके यहाँ पे है आईपीपी. तो हमें यहाँ कोई भी करेंसी एक्सचेंज में जाके अपनी करेंसी को एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा. ये बहुत शॉर्टकट एंड स्वीट मेथड है, राइट? ये मेथड आया कब दोस्तों? ये स्पेशली जब यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा था, जब रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगने स्टार्ट हुआ, तब लोगों ने रियलाइज किया कि हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आवर ओन बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग एंड मनी एक्सचेंज सिस्टम रैदर देन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डॉलर पेमेंट, राइट? डॉलर पेमेंट. इसीलिए अभी एक कॉन्सेप्ट भी आता है दोस्तों डी डॉलराइजेशन का, कि नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन. क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर, अगर हम सब हैवली डॉलर्स पे डिपेंड होते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर कंट्रीज में अगर सैंक्शन लग जाता है तो वो डॉलर यूज ही नहीं कर सकती, राइट? एंड डॉलर इज दी हैवली ट्रांजेक्टेड करेंसी इन द वर्ल्ड, राइट? तो अगर हम डॉलर नहीं लेंगे, हम अगर उसे डॉलर पे नहीं कर सकते रसिया को, हम क्योंकि रसिया अब डॉलर का कोई यूज ही नहीं कर सकता, राइट? तो हमें उनकी नॉर्मल करेंसी में पे करनी पड़ेगी, दैट इज रूबल, राइट? हमें उसमें पेमेंट करनी पड़ेगी. तो अगर हमें उसमें पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमें एक बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चलो हम आपको रूबल में पे करेंगे, आप हमें रुपीज में पे करना, एंड एक्सेट्रा, सो दैट वी कैन कंटिन्यू अवर ट्रेड, राइट? सो दिस इज वॉट इज द ग्लोबल पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम जो अभी काफी न्यूज में चल रही है. आपने स्विफ्ट के बारे में सुना ही होगा दोस्तों, यूक्रेन रसिया क्राइसिस के टाइम में, राइट? स्विफ्ट इज बेसिकली, देखते हैं स्विफ्ट क्या है. स्विफ्ट इज बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, राइट? तो इससे होता क्या है दोस्तों, बेसिकली इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया था कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन बेल्जियम लाहुलपे सिटी 1973 में, ऑल राइट? इसका फंक्शन क्या था दोस्तों? ग्लोबली टू सर्व मैसेजिंग फंक्शन फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज, ब्रोकर हु मे नॉट हैव डायरेक्ट बैंक रिलेशन सेटलमेंट सिस्टम विद ईच अदर ड्यू टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, राइट? सो लेट्स से अगर आपका बैंक अकाउंट है इंडिया में, राइट? इंडिया में बैंक अकाउंट है, एंड आप रशिया जाते हो, रशिया के कोई भी अगर बैंक है दोस्तों, लेट्स से रशिया की बैंक है ए बी बैंक, ऑल राइट? ए बी बैंक, आप अपने इंडियन अकाउंट से रशिया बैंक अकाउंट में एक हमें इंटरनेशनल कार्ड मिलती है, राइट? आप मास्टर कार्ड ये सब कहीं से भी यूज कर सकते हो. तो अगर आप ए बी बैंक को पे कर रहे हो दोस्तों इंडिया के कोई भी बैंक अकाउंट से, तो इन्हें ट्रांजैक्शन के लिए अपने अंदर में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि दैट एक्स इज रिक्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, राइट? तो इस पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है दोस्तों, उसको फैसिलिटेट कौन करता है? उसको फैसिलिटेट बेसिकली स्विफ्ट टेक्नोलॉजी करती है, राइट? दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. बट अगर लेट्स से हम किसी कंट्री को, जैसे कि रसिया को, स्विफ्ट सिस्टम से एलिमिनेट कर दिया गया था, तो वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, राइट? वो किसी दूसरे बैंक के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पाएगा, वो ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट कर पाएगा अंटिल एंड अनलेस वो कम्युनिकेट ना कर पाए तो, राइट? सो दिस इज वॉट इज द स्विफ्ट सिस्टम. इसका बेसिक फंक्शन याद रखना दोस्तों, टू सर्व एज अ मैसेजिंग फंक्शन, राइट? मैसेजिंग फंक्शन बिटवीन बैंक्स, एनबीएफसीज, ब्रोकर्स हु मे नॉट हैव द डायरेक्ट बैंक रिलेशन, राइट, with that particular country. So that is what is the SWIFT, जो हमारे ध्यान रखने वाली चीज है. बट इंडिया में हम अपनी एक सिस्टम यूज करते हैं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं SFMS. SFMS का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, राइट? इट इज डिजाइंड बाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज TCS, राइट? फॉर IDRBT, राइट? इट इज रिसर्च आर्म ऑफ RBI, उसके लिए डिजाइन किया गया था, दैट इज SFMS by TCS, right? इसका function क्या है दोस्तों? To serve the messaging function in NEFT, RTGS and other interbank, intrabank e-transaction platforms within India, right? अब समझ ही गए होंगे. So this is some important news दोस्तों. SWIFT को पहले ईरान को बैन कर दिया गया था, उसके बाद 2022 में रशिया got banned from SWIFT, all right, for invading Ukraine. जैसे कि हमें पता है Feb 2022 में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया था, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ही ग्लोबल सैंक्शन लगने स्टार्ट हुए, एंड ग्रेजुअली उसे SWIFT जो नेटवर्क होती है दोस्तों, उससे भी एलिमिनेट कर दिया गया. तो दिस विल मेक वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रशियन बैंक्स एन बी एफ सीज बिजनेस टू सेंड एंड रिसीव मनी इंटरनेशनली, राइट? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में उन्हें बहुत ही मुश्किल होगा, या फिर वो नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो फॉरेन बैंक के साथ बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, राइट? सो दिस इज वॉट इज द
स्विफ्ट टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस वी आर डन विद अवर 30 मिनट्स दोस्तों. आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर रफ्तार सीरीज. इफ यू डू सो देन प्लीज एंश्योर टू शो योर लव बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल दैट इज एग्जीक्यूटिव IAS एंड ऑल्सो शो योर लव टू द होस्ट दैट इज नमन. एंड अंटिल वेरी नेक्स्ट टाइम दिस इज नमन साइनिंग ऑफ. कीप वॉचिंग.